जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बर्नौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है। जहाँ हिंदू ज्यादा होंगे वहाँ पर हम अपनी इस्लाम छोड़ दें, वहाँ पे हमने अपने इस्लाम की पैरवी करनी है ना। तो फिर उनको किसका डर है? मोदी का डर है उन्हें कि वो मंदिर बना रहे हैं? उनका जो ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म हो गया है। हमारे लीडर भी वैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, लेकिन हमारे लीडर्स को एयरपोर्ट पे कोई नहीं लेने आता। प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेने वो एयरपोर्ट पे गए। वो हमें वो समझते हैं यार ये पागल लोग हैं, ये काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, इन्होंने अपना पोलिटिकल ऑर्डर खराब किया हुआ है, हम इनसे क्या बात करें। इंडिया जो है ना, इंडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसमें चलिए इस वक्त जमहूरियत। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेने हैं। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स, पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। तो अब दुबई, अबू धाबी का तो हम लोगों ने मंदिर देख लिया, इसके अलावा दुबई में भी हम लोगों को पता है, उसके बाद फिर शारजा में भी मंदिर की जगह जो है वो देखी जा रही है, अल ऐन में भी मंदिर की जगह देखी जा रही है, इवन ईरान में भी बहुत जल्द हम लोग सुनेंगे कि मंदिर की घंटियां और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। आप बंद है, आप सबसे पहले जो आपकी चीज बंद है 25 करोड़ों की, आपके दिमाग बंद है, आपके दिमाग बंद है, खोलें, खुदा रा खोलें। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इकदाम नहीं करना चाहिए। देखिए इंडिया के साथ मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन करते हैं आज के दिन में तो वो ज्यादती होगी। कैसे तरक्की कर सकते हैं? हमारे अंदर से बेईमानी निकले तो फिर है ना। अब मैं बहसीते पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हम अरब हैं, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, रात दो ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में तीन तीन दौरे पड़ रहे हैं, आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ अब यूएई में भी हिंदू परचम फहरा रहा है। यहाँ का पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किया। 700 करोड़ की लागत से नागर शैली में गुलाबी बलुआ पत्थरों से बने इस भव्य मंदिर की ऊंचाई 108 फुट है और इस मंदिर को 402 स्तंभों पर खड़ा किया गया है। 27 एकड़ में फैले इस मंदिर में भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही स्टील और लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर में दो केंद्रीय गुंबद हैं, जिन्हें सद्भाव का गुंबद और शांति का गुंबद नाम दिया गया है। बाप्स स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख ने 1997 में यूएई में मंदिर की कल्पना की थी, जिसकी आधारशिला 2019 में रखी गई। 5 सालों में यह अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है, वहीं आंतरिक भाग में इटालियन मार्बल का प्रयोग हुआ है। 25,000 पत्थरों के टुकड़ों से इसे बनाया गया है। मंदिर तक जाने वाले रास्ते के चारों ओर 96 घंटियां और गोमुख स्थापित हैं। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंग उत्कीर्ण हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ रथ यात्रा अंकित है। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में भागवत और महाभारत की नक्काशी की गई है। इसी तरह भगवान अयप्पा को समर्पित मंदिर में उनके जीवन, कार्य, शिक्षाओं को अंकित किया गया है। भारतीय सभ्यता के अलावा यहाँ माया सभ्यता, इजिप्ट, अरबी, यूरोपियन, चीनी और अफ्रीकन सभ्यता को भी शामिल किया गया है। यूएई के मुस्लिम शासक शेख मोहम्मद बिन जायद ने हिंदू मंदिर के लिए भूमि दान की, जहाँ मुख्य वास्तुकार कैथोलिक ईसाई हैं, परियोजना प्रबंधक एक सिख हैं, संस्थापक डिजाइनर एक बौद्ध हैं और निर्माण कंपनी एक पारसी समूह है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि पाकिस्तानी लोगों का इस भव्य विशाल मंदिर के बारे में क्या कहना है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त किस्म का एक इवेंट जो है वो यूएई ने किया है, मंदिर की इनॉग्रेशन। और मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहां पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूँ कैसा बना है। क्या कहेंगी आप एज अ इंडियन मुस्लिम, क्या फीलिंग्स हैं, क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है? डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है और मैं हमेशा अपने माँ बाप के शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे भारत में जन्म दिया। पर पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आरजू जी, भारतीय भारत का बना हुआ यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया, उसके बाद फिर मोदी जी ने जब बैठ करके बातचीत किया तो आईमैक कॉरिडोर के बारे में उन्होंने
जैद जी से बात किया, क्योंकि दुबई में 15 लाख इंडियन पॉपुलेशन है, भारतीय पॉपुलेशन है, आबू धाबी में 7 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है, शारजा में 5 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है, अल एन में 3.5 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है, और ये मैं यूएई का ही डेटा लेकर के बैठी हूँ। तो अब दुबई, आबू धाबी का तो हम लोगों ने मंदिर देख लिया, इसके अलावा दुबई में भी हम लोगों को पता है, उसके बाद फिर शारजा में भी मंदिर की जगह जो है वो देखी जा रही है, अल एन में भी मंदिर की जगह देखी जा रही है, इवन ईरान में भी बहुत जल्द हम लोग सुनेंगे कि मंदिर की घंटियां और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकेंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। How do you see these developments, particularly for Prime Minister Modi's politics? जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का, मोदी साहब का, जब यहाँ पे अयोध्या का बना है, साथ यहाँ न्यूजर्सी के अंदर बाप वालों का मंदिर यहाँ भी बना था, न्यूजर्सी के 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी उसके ऊपर वो मंदिर बना है। इस वक्त कहते हैं ट्रेड डायस्पोरा प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर। 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। तरसब एक मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ, एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मस्जिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पे है। ये जो एक मूवमेंट कह लें या ये जो इंप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे, जो वहां पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर रिलेटिवली बीइंग मोर इकोनॉमिकली स्टेबल, पॉलिटिकली स्टेबल, अपना जो रिलीजियस मॉडल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशियस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजापक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है। हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? जी मतलब दो चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता, एक तो आपके पास ताकत हो और दूसरा पैसा हो आपके पास। आज मैं दुख के साथ कहूंगा इस्लाम जिसका पहला लफ्ज इकरा है लेकिन सारे न पढ़ते, जो पढ़े लिखे वो भी कैनेडा की पीआर नो पकड़ पे भुखे नंगे फ्राडिए। मैं बल्कि दुख के साथ कहना चाहूंगा 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में, मुझे बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसको कहा जा सके इस्लामिक है? आपका लीडर कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपना केस नहीं फलस्तीन का ले जा सकते, साउथ अफ्रीका लेकर गया। मोदी साहब, यूएई अभी रिसेंटली मतलब कुछ दिन पहले दिसंबर में जो शेख जैद साहब हैं वो गुजरात समिट में आए, और अभी उसके तकरीबन 1.5 महीने के बाद मोदी साहब आए। नॉर्मली हम देखते हैं बहुत कम ऐसा होता है, अमेरिका का एक साल में एक विजिट कर लेते हैं या फिर एक आध दो और, लेकिन यूएई का हम देखते हैं कि बड़ा रेगुलर बेसिस पे यूएई के लीडर्स का भी आना है न्यू दिल्ली, और इंडियन जो लीडरशिप है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है उनका भी रेगुलर जाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब का कि साल में एक विजिट करना है या दो दफा जाना, नहीं ऐसी कोई चीज नहीं। क्या वजह है, क्या चीजें हैं? देखिए ये बहुत ही फॉर्चुनेट टाइम में हम लोग रह रहे हैं, अगर कहीं पे दुनिया में कुछ डिस्ट्रक्शन दिख रहा है तो एक ग्लिमर ऑफ होप है। दो बड़े विजनरी लीडर्स, मोहम्मद बिन जायद साहब विजनरी आदमी है, मोहम्मद बिन सलमान साहब विजनरी आदमी है, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी आदमी है। सो ये दो एक सेम टेम्परामेंट के लोग हैं ना, तो वो जब मिलते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, तो मुल्क छोटे बड़े नहीं होते, सोच छोटी या बड़ी होती है, ठीक है ना।